जो है जो मुद्दे हमने पिछले मीटिंग के अंदर उठाए थे। देखिए प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, दिल्ली में बैठा हुआ एक सेक्रेटरी ने कहा कि औरंगाबाद में इतने हॉस्पिटल्स हैं, उनको इतने वेंटिलेटर्स देने चाहिए करके। पाचोड़ जैसे हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ पर बराबर से डॉक्टर्स नहीं, जहाँ पर बराबर से स्टाफ नहीं, तो वहाँ पर 10 वेंटिलेटर्स दे दिए गए हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी वहाँ पर 2 वेंटिलेटर्स हैंडल करने की नहीं है। कुछ उसी तरह से कन्नड़ जैसे मुकाम के ऊपर 10 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ऐसे 10-10 वेंटिलेटर्स अगर मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको दूंगा तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर एक वेंटिलेटर के लिए पेशेंट परेशान है कि मुझे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाओ या सरकारी अस्पताल में चल जाओ तो ये हाथ ऊपर कर देते हैं कि नहीं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, और इसी दौरान पेशेंट की मौत हो रही है। कितने पेशेंटों की जान गई है क्योंकि उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिले हैं। अब मैंने जो डेटा अपने लेवल के ऊपर जानकारी हासिल की थी, गंगापुर के अंदर उनको 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं तो सिर्फ 4 वहाँ पर लगाए गए हैं, 4 बंद पड़े हुए हैं, 4 लगाए ही नहीं गए हैं, और 2 वेंटिलेटर्स वहाँ से MGM हॉस्पिटल को दे दिए गए हैं। कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स हैं, 10 के 10 बंद पड़े हैं, 10 के 10 का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर जिस तरह से इक्विपमेंट लाया जाता है, रखा जाता है, तो कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स बंद पड़े हुए हैं। वैजापुर के अंदर टोटल 19 वेंटिलेटर्स आए हैं। अब आप वैजापुर के हॉस्पिटल में चले जाइए कि जिस हॉस्पिटल की कैपेसिटी वहाँ पर 3 वेंटिलेटर्स हैंडल करने की नहीं है, वहाँ पर 19 हॉस्पिटल। दिल्ली में बैठा हुआ कोई अधिकारी समझता है कि वैजापुर के अंदर एक हॉस्पिटल है तो चलिए पीएम केयर्स का फंड हमारे पास आया है दे दीजिएगा, अब उसका इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है ये मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है, ना पीएम केयर्स फंड के मॉनिटरिंग के लिए कोई है। 19 वेंटिलेटर्स के अंदर से वहाँ पर सिर्फ 5 चालू है, 12 बंद है, ये किसी दूसरी जगह देने का है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये वेंटिलेटर्स की अगर संख्या देखें, अगर ये पूरे के पूरे अगर वापस लिए जाए तो कम से कम 25 से 30 वेंटिलेटर्स आज यहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ज़िला परिषद के CEO का कहना है कि हमने इनसे जब सवाल किया कि ये वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं तो ये क्यों इस्तेमाल नहीं, तो उन्होंने हमें एक ऐसा जवाब दिया कि नहीं वो जो कंपनी है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, वो इंस्टॉल करने के लिए आने वाला है। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कोई भीख नहीं दिया है, ये कोई दान नहीं दिया है, ये कोई चैरिटी का काम नहीं किया है उसने, उसको गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तब वो लाकर दिया है, और इस तरह से लाकर उसने कचरे की तरह यहाँ पर फेंक दिया है, और प्रशासन पूरी तरह से अगर गफलत में बैठा हुआ है तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। हमने जिलाधिकारी को ये कहा है कि ये फौरन ये वेंटिलेटर्स लाए और इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करें, और कहाँ पे करना चाहिए, जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट की बनी है 150 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है, वो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेटर्स लगाइए, और अगर वहाँ नहीं होता है तो महानगर पालिका ने मेट्रॉन के अंदर अपना जो सेटअप बनाया है जिसके ऊपर भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो वहाँ पर ये वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम 2 दिनों के अंदर जाकर ये पूरे वेंटिलेटर्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस घाटी या सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को दे, और अगर वहाँ पर नहीं होता है तो आप इसको मेल्ट्रॉन के बिल्डिंग में, और अगर वहाँ पर भी इमीडिएट नहीं है तो उनका कहना था कि आप हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लगाने की अनुमति दें करके मीटिंग जनरल बॉडी। हमने कहा कि आप दीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर देना, लेकिन ये कौन मॉनिटर कर रहा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल ये सरकारी मुफ्त का जो वेंटिलेटर उनको दिया गया है इसका फ़ायदा पेशेंट्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमने इजाज़त दी है। अब देखते हैं कि प्रशासन किस सतर्कता के साथ ये 25-30 वेंटिलेटर्स का उपयोग करती है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत दुर्दैव है इस बात का कि जब वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमने खासदार निधि से मैंने खुद ने 6 वेंटिलेटर्स इनको दिया है। अगर मुझे ये पता रहता कि ये खैरात की तरह है तो बांटने वाले है, मुझे ये पता रहता कि ये वेंटिलेटर्स ऐसे ही पड़े धूल खाने के लिए पड़े रहने वाले है तो मैं कभी भी है तो इस फंड का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं किया होता, कोई दूसरे काम के लिए किए गए होते। तो ये प्रशासन इसको गंभीरता से ले, यही हमारी विनती है। दूसरा ये है कि हमने प्रशासन से ये कहा है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, फंड्स का मुद्दा है या और क्या क्या मुद्दे हैं, ये हमें इसकी जानकारी दे ताकि हम ये बता सके कि औरंगाबाद की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि दूसरे अलग अलग ज़िलों के पेशेंट्स यहाँ पर आए। आपको अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाना पड़ेगा, चाहे वो नांदेड़ में हो, लातूर में हो, बीड़ में हो, उस्मानाबाद हो, अगर पूरे के पूरे पेशेंट्स यहाँ पर आने लगे तो औरंगाबाद के ऊपर बहुत बड़ा तान पड़ने वाला है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इक्विप करे कि ताकि वहाँ का पेशेंट यहाँ ना आए, और यहाँ के भी जो तालुके के हॉस्पिटल्स हैं कन्नड़ के हॉस्पिटल को इतना इक्विप करे कि कन्नड़ के हॉस्पिटल के पेशेंट को घाटी में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वैजापुर के पेशेंट को यहाँ पर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन सबका इंटरेस्ट चूंकि इसी के अंदर रहता है कि मशीन कितने में आ जाएगी, बिल्डिंग बना लिया जाएगा, तो सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट यही रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबका कट रहता है, वो कट मिल जाता है तो सब खामोश हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स है, लेकिन वेंटिलेटर्स रहने के बाद अगर डॉक्टर्स ही नहीं है जो चलाने वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ ही नहीं है, अब नर्सिंग स्टाफ के लिए उनको कुछ मिलता नहीं है, तो इनकी जो मांग है कि इनके इन्होंने जो बैंकों से पैसा लिया हुआ है या जो जहाँ जहाँ से भी लिया है उसका जो वसूली इनके लिए की जा रही है और ये बैंड बजाने की इजाज़त मांग रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ इतनी ज़ोरों से आप लोग बैंड बजाएं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपके बैंड की गूंज बजनी चाहिए उसके अंदर। देखिए सब चीज़ खुल चुका है, अगर आप सरकार से अगर ये इजाज़त मांगेंगे कि हमको बैंड बजाने की इजाज़त दे तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। सनी है तो आप अपना बैंड बजाना शुरू कर दीजिए।